नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की आज की प्रमुख खबरें। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में संवाद किया। उन्होंने बिजनौर से कम उपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं से मतदाताओं से संपर्क करने की जानकारी ली, कहा हर मतदाता तक पहुँचे। उन्होंने बूथवार कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और उस अनुरूप हुए संपर्क का फीडबैक लिया। इस सीट से प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त आदि ने उनका स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ की बैठक सेंट जोसेफ कन्या विद्यालय सिविल लाइन्स में हुई। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम शर्मा ने नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि उत्तर पुस्तिकाएं भी सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर युक्त कैमरे में रखी जाएंगी। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुरादाबाद के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जी मेन 2023 के लिए मुरादाबाद के कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन सेंटर कानपुर से मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया है। एनटीए ने इसके साथ ही कहा है कि यदि परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे अन्य कैंडिडेट भी इस तरह का बदलाव चाहते हैं तो वे एनटीए को इसके लिए 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार वसंत महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। काट रोड स्थित होटल में हुई बैठक में पूर्वांचल वासी संस्था ने 3 दिवसीय वसंत महोत्सव का कार्यक्रम जारी कर दिया। 27 जनवरी को मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम जिगर मंच पर होगा। मुरादाबाद शहर का बहुचर्चित यानी डॉक्टर शैली हत्याकांड की नए सिरे से तफ्तीश के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। जिन बिंदुओं को पुलिस अब तक छोड़ती रही है, टीम उन पर ही गहनता से काम करेगी और सबूत ढूंढकर कातिलों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। आज सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई तथा पुलिस कार्यालय में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं के उचित गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। भोजपुर पुलिस ने शांति भंग करने में 4 लोगों का किया चालान। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव नेकपुर में जमीन के बंटवारे को लेकर नेतराम प्रेमपाल होराम धर्मेंद्र कुमार आपस में गाली गलौज व मारपीट कर रहे थे। सूचना मिलने पर एसआई दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली पुलिस परेड की सलामी मंत्री सचिन प्रसाद लेंगे। मुरादाबाद के साथ कुछ जिलों की पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि का चयन शासन स्तर से किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई आचार संहिता लागू नहीं होती है। एसएसपी ने पुलिस लाइन में होने वाली परेड के लिए सभी को आमंत्रित किया है। महानगर वासियों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से आज यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों के सहयोग से पीलीकोठी चौराहे से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एसएसपी ने कहा कि ये बच्चों का एक शानदार प्रयास है और इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक होकर अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत होना चाहिए।